हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद रेनू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं कॉफ़ी केक, जो बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से मैं आपको बनाना बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं आज कैसे हम कॉफ़ी केक बनाते। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी कॉफ़ी केक कितनी सॉफ्ट और स्पंजी बनी है। देखिए मैंने यहाँ पर काटा हुआ है, देख सकते हैं आप। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। साथ में सब्सक्राइब कर बगल में बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। देखिए हमारी कॉफ़ी केक बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनी है। तो चलिए देखते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून कॉफ़ी पाउडर ली हुई है, इसको हमको इसमें डाल देना है और हल्का सा हमको गुनगुना पानी लेना है और इन दोनों को अच्छी तरह से फेंट लेना है। फेंट के एकदम स्मूथ बैटर तैयार कर लेना है। तो देखिए मैंने कॉफ़ी पाउडर और पानी को अच्छे से फेंट लिया है। पानी हमको गुनगुना ही लेना है, तो इसको हमको अच्छे से फेंट लेना है। तो देखिए मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया है, एक ही साइड हमको लगातार फेंटते जाना है इसको। तो देखिए मैंने इसको फेंट के अलग साइड में रख देना है। ये हमारी कॉफ़ी तैयार हो चुकी है, तो इसको अलग से साइड में हमको रख देना है। और यहाँ पे एक पतीला लेंगे, बर्तन लेंगे। तो यहाँ पे मेरे को रिफाइंड ऑयल लेना है। रिफाइंड ऑयल मैंने 3 बड़े चम्मच लिए हैं। और यहाँ पे मैंने पाउडर शुगर ली है। जितनी हम रिफाइंड ऑयल लेंगे उसकी दुगनी हम पाउडर शुगर लेंगे। आपको जितनी मीठी पसंद है आप उस हिसाब से पाउडर शुगर ले सकते हैं। और दोनों को हमको एक ही साइड ही फेंटते जाना है, एकदम स्मूथ तैयार करना है। तो यहाँ पे हमको अच्छे से फेंट लेना है दोनों को। देखिए हमारी ये अच्छे से फेंट चुकी है। तो यहाँ पर मैंने मैदा ली हुई है। मैदा को मैंने पहले से ही छान के रखा हुआ था, आप अभी भी छान सकते हैं। और इसको इसमें मिक्स कर देंगे। साथ में लेंगे बेकिंग पाउडर, 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर लेंगे और 1/2 टीस्पून हमको खाने वाला सोडा लेना है। और इन चारों को हमको एक ही साइड ही फेंटते जाना है। जितनी हम फेंटेंगे उतनी हमारी केक सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेगी। तो इसको हमको लगातार फेंटते रहना है। तो देखिए मैंने फेंट दिया है। अब इसमें हमको हल्का हल्का रूम टेम्परेचर पे दूध रखा है, इसको डालते जाना है। एक साथ नहीं डालना, एक साथ डालेंगे तो हमारी जो बैटर है पूरी तरह से गीली हो जाएगी और हमारा केक भी नहीं फूलेगा। तो हमको इसको धीरे धीरे डालते जाना है। तो देखिए यहाँ डाल के सॉफ्ट इसका बैटर तैयार करना है। तो देखिए हमारी बैटर तैयार हो गई अच्छे से, देख सकते हैं आप कितने पलफी तरीके से तैयार हुई है। तो हमको इसमें 1/2 गिलास से ज़्यादा दूध ली थी, उसमें से थोड़ा सा दूध बच गया है, तो हमारे नेक्स्ट प्रोसेस में काम आएगी। तो इसको अलग रख देते हैं। यहाँ पे हमको जो मैदे का बैटर है उसको कॉफ़ी में आधा डाल देना है। बराबर बराबर भागों में दोनों को डिवाइड कर देना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने कॉफ़ी पाउडर जो मिक्स की हुई थी पानी के साथ उसमें डाल देना है और इसको लगातार फेंटना है। लगातार 2 से 3 मिनट तक लगातार फेंटना है। और साथ में हमको थोड़ा सा दूध, 2 टेबल स्पून दूध भी डाल देना है। तो देखिए हमारी बची हुई दूध को हमको इसमें डाल देना है। तो इसको डाल के हमको लगातार फेंटते जाना है। तो देखिए हमारी ये फेंटना चालू हो गई है, अच्छे से फेंट चुकी है। देख सकते हैं आप कितने बढ़िया तरीके से फेंटी हुई है। देखिए तो ये हमारा बैटर, दोनों बैटर तैयार हो चुका है। इसकी जगह आप चॉकलेट पाउडर भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने एक पतीला लिया है, पतीले में मैंने ऑयल पहले से ग्रीस करके रखी हुई है। इसकी जगह हम बटर पेपर भी यूज कर सकते हैं। और इसको हमको लेयर लेयर में डालते जाना है। तो पहले हम वाइट मैदे की लेयर डालेंगे, देखिए। और इसको धीरे धीरे टैक भी करते जाना है ताकि एयर बबल्स ना रहें। तो इसको हमको फैलाते जाना है, साथ में टैक भी करते जाना है ताकि एयर बबल्स नीचे ना रह जाए। अब इसी के ऊपर हमको कॉफ़ी की एक लेयर डालनी है। तो देखिए इसको हल्के से टक करते जाएंगे और कॉफ़ी की एक लेयर डालेंगे। तो इसी तरह हमको पहले वाइट मैदे की लेयर, उसके बाद कॉफ़ी की लेयर कर करके डालते जाना है। तो आप कॉफ़ी की लेयर डालेंगे, देख सकते हैं आप। और इसको भी टक करते जाना है।
तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने कॉफ़ी की लेयर डाली है। इसको भी हमको हल्के से फैलाते जाएंगे ताकि ये एयर बबल्स ना रहें। और इसके ऊपर वाइट मैदे की लेयर फिर डालनी है, फिर कॉफ़ी की लेयर डाल के इसको तैयार करना है। तो देखिए हमारी कितनी बढ़िया तरीके से तैयार हो चुकी है मैदे और कॉफ़ी की लेयर। तो इसको हमको हल्के हल्के टैक करते जाना है ताकि एयर बबल्स ना रहे। यहाँ पे मैंने एक टूथपिक ली हुई है, टूथपिक की मदद से हमको इसको शेप में देना है। तो इसको एक शेप में देंगे जिससे हमारी केक बहुत भी बढ़िया तरीके से दिखे। तो देखिए मैंने इसको चारों तरफ से शेप दे दिया है, देख सकते हैं आप कितनी बढ़िया तरीके से हमारी केक बनी हुई है। देखिए, तो देख सकते हैं आप कितने बढ़िया तरीके से मैंने टूथपिक से इसको काट ली है। अब यहाँ पे हमको गैस में मैंने तवा बैठा के रखी है, तवा को 5 मिनट तक 380 गरम कर लिया है। और इसके ऊपर मैंने एक केक के पतीले को रख दिया और कम से कम 40 से 45 मिनट तक हमको बेक होने के लिए मीडियम से स्लो फ्लेम पे ही बेक करना है। तो इसको बेक होने के लिए छोड़ देते हैं ढक्कन ढककर। तो देखिए यहाँ पे 40 मिनट हो चुके हैं, हमारी केक बनके तैयार हो चुकी है। तो हम टूथपिक की मदद से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने टूथपिक डाल के देखा हुआ है, हमारे टूथपिक साफ़ है पूरी तरह से, बिल्कुल भी केक नहीं लग रही है। मतलब कि हमारी केक बनके परफेक्ट तरीके से तैयार हो गई है। तो इसको हमको ठंडे होने के लिए रख देना है। तो चलिए ठंडे होने के लिए गैस बंद करके रख देते हैं। तो देखिए ठंडे हो चुकी है। तो इसको निकाल लेते हैं चाकू की मदद से और इसको एक प्लेट में उलट देते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट में उलट दी है, देखिए आप पीछे से भी कितनी सॉफ्ट बनी हुई है। तो इसको हम सीधा कर लेते हैं। तो देखिए हमारी कॉफ़ी केक कितनी बढ़िया तरीके से बन के तैयार हो गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी केक बनके तैयार हो गई है। तो यहाँ पे मैं आपको काट के दिखाती हूँ कि हमारी केक बहुत ही स्पॉन्जी और सॉफ्ट बनी हुई है। तो यहाँ पे मैंने चाकू से इसको काटा, देख सकते हैं आप भी कितनी बढ़िया तरीके से कट रही है। अब इसको हम साइड से निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं आप कितनी हमारी केक सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनी है। तो आप भी अपने घर में ट्राई कीजिए और कैसे बनी है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये केक कैसे बनी है, क्योंकि मैंने भी फर्स्ट टाइम ये ट्राई की है। तो देख सकते हैं आप हमारी केक बड़ी स्पंजी और सॉफ्ट तरीके से बनके तैयार हो गई है। देखिए,